है वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। तालाब में डूबकर हुई एक 9 वर्षीय बच्चे की मौत, थाना दक्षिण क्षेत्र सुहाग नगर बुजरिया वाले तालाब की घटना है। आनंद फानंद में लाया गया जिला अस्पताल, बता दें ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने किया मृत घोषित। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र सुहाग नगर बुजरिया वाले तालाब में एक 9 वर्षीय बच्चे की डूबकर मौत हो गई। आनंद फानंद में परिजन जिला अस्पताल लाए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। परिजन शव को बगैर पोस्टमार्टम कराए घर ले गए हैं। बताते चले, थाना दक्षिण क्षेत्र पीपल मंडी गली नंबर 9/3 करबला निवासी आनंद का 9 वर्षीय पुत्र आशु खेलते खेलते सुहाग नगर बुजरिया वाले तालाब पर निकल गया, जहां बताया गया कि वह डूब गया। आनंद फानंद में परिजनों को पता चला तो निकाल कर जिला अस्पताल लाए, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने सिद्धार्थ यादव ने मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि करीब 9 साल का आशु नामक बच्चा आया था, जब यहाँ देखा तो मृत अवस्था में आया था। मैं, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? करबला पीपल मंडी। क्या हुआ था, कैसे हुआ ये? खेलने खेलते निकल गया, नहाने भुजर के विसर्जन में डूब गया। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया अब तो कुछ है नहीं है इसमें। क्या नाम है बच्चे का? आशु। आपका क्या नाम है? आनंद कुमार। कौन रहते, कहाँ पर? करबला पीपल मंडी में। और ये घटना कहाँ हुई है? उम्र कितनी होगी भैया इसकी? उसकी होगी 7-8 साल। पानी में डूबा है। सर, एक बच्चा आया था, किस तरह से आया था? अभी एक आशु नाम का बच्चा आया, करीब 9 साल का। उसके परिवारजन अभी बता रहे थे कि जो है ये पानी में गिरा, लेकिन जब वो हमारे पास आया था वो मृत अवस्था में था। जब हमने उससे पूछा, उनके परिवारजन थे, उनके पिताजी से, तो उन्होंने बताया कि ये जो है तालाब में मिला है। सर, लगभग कितनी देर रहा होगा उसकी कंडीशन के हिसाब से? अब छोटा बच्चा है तो करीब 10-15 मिनट तो डूबा रहा होगा, तभी ये स्थिति हुई होगी।